एक लड़की बैठी है, क्या है क्या है, सन्नाटा है, देखना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे गाड़ी कर दी। जब आगे बढ़ा रहे थे तो आगे वाली भैया बाइक की, जो आगे वाली भैया है उसमें गाड़ी चल रही, टकरा गई। फिर उसके अंदर दूसरा जो दूसरा सिपाही जो था, जो लाठी लिए हुए था, वो कोशिश करता है उसमें गाड़ी में डंडा करने की, अंदर मारने की, जिधर साइड पे मैं बैठी हूँ, और जिसने गोली मारी है वो सामने खड़े रहते हैं करीब करीब 2 मीटर की दूरी, 2-2.5 मीटर की दूरी, और बिना कुछ कहे बिना कुछ करे सीधे रिवॉल्वर निकालते हैं और गोली मार देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में गोली लग जाती है, यहाँ पे गोली लगती है, भाई मोबाइल नीचे कर लो यार, गोली लगती है जी। और उसके बाद में वो फिर चलते रहते हैं, थोड़ी दूर पे जाके फिर पिलर रहता है, जब वो नहीं चला पाते वहाँ पे लड़ जाते हैं। उसके बाद में वो 2 पुलिस वाले कहीं नजर नहीं आते हैं, वो कहीं पुलिस नजर नहीं आती है। फिर उसके बाद में जब मैं उतर के वहाँ पे मदद के लिए मदद मांगती हूँ, वहाँ पे 2-3 ट्रक खड़ी रहती है, क्योंकि मैं कल इत्तेफाक से मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी अपना, मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी जी। तो बाकी लोगों से, ट्रक वालों से मैं मदद मांग रही थी कि कोई अपना फ़ोन दे दे, एक बार मुझे मेरा फ़ोन दे दे, कोई फ़ोन दे दे जिससे मैं कहीं किसी को फोन में कोई नशे में थे या सुनने में, सर ये नहीं बता सकते पुलिस बता सकते कि नशे में थे क्या थे, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि आपने रिवॉल्वर निकाली और गोली मार दी। देर बाद पुलिस आती है, उसने एम्बुलेंस को फ़ोन करती, मैंने बोला, मैं बोली कि एम्बुलेंस मत बुलाइए, बहुत टाइम लगेगा, जैसे करना है अभी करिए, जल्दी करिए, जो करना है जल्दी करिए। फिर उसके बाद में अंदर डालते हैं भैया, उसको लेके जाते हैं, मैं बोलती हूँ कि बयान लिया जाता है, मैं चिल्ला रही हूँ कि पहले आप इलाज करिए उसके बाद बयान लीजिए, पहले इलाज करिए। पुलिस ये कह रही है कि आप लोग की गाड़ी खड़ी हुई थी और संदिग्ध अवस्था में थे, नहीं बिल्कुल, तब उन्होंने रोकने की, गाड़ी में आपत्तिजनक वस्तु थी, गाड़ी चल रही थी, धीमी चल रही थी, पर गाड़ी चल रही। आप लोग किस प्रोग्राम से आ रहे थे? हम लोग टावर से आ रहे थे।